गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स अ वीडियो ऑफ मैथ सब्जेक्ट ऑफ क्लास सेवेंथ एंड योर फर्स्ट एन एक्सरसाइज इज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए मल्टीप्लाई माइनस बी एंड ए माइनस ए मल्टीप्लाई बी, जब दो इंटीजर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो भी क्या होता है, हमारा एक इंटीजर ही होता है। तो ये क्या आएगा, ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए बी, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस बी, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस होती है, और ए बी की मल्टीप्लाई ए बी, तो इसमें आंसर क्या जाएगा, ए बी। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री निगेटिव इंटीजर इज ए इज आ, जो हमारे अगर थ्री निगेटिव नंबर होंगे तो उनका आंसर क्या आएगा, इसको मैंने एग्जांपल की तरह समझाया। जैसे मैंने तीन निगेटिव इंटीजर्स ले रखे हैं, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस फोर की मल्टीप्लाई जो माइनस थ्री से करके कितना आएगा, तो प्लस का 12 आएगा, और माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 24, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, तो आंसर कितना आएगा, आंसर हमारा कैसा आया, निगेटिव आया। ओके, एंड नेक्स्ट इज फोर्थ, प्रोडक्ट ऑफ फोर निगेटिव इंटीजर्स डैश इंटीजर, अगर जब फोर निगेटिव इंटीजर्स लेंगे तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस ही आता, तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट वन इज लास्ट, इफ वी मल्टीप्लाई फोर पॉजिटिव इंटीजर एंड थ्री निगेटिव इंटीजर्स द साइन ऑफ अ प्रोडक्ट, जब हमारा नंबर ऑफ इंटीजर्स ऑड होते हैं तब हमारा साइन कौन सा आता है, निगेटिव, अगर इवन होगा तो क्या आएगा, प्लस। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे फोर एंड थ्री, तो कितने टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होगा, सेवन, दैट इज़ अ ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो उसमें निगेटिव हमारा साइन आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रू एंड फॉल्स। ओके, पहला है आपका ए एंड बी इज एन इंटीजर फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी, अगर दो हमारे ए बी इंटीजर हैं तो वो क्या ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर इंटीजर आएगा, उसका रीज़न क्या होगा ये भी हमें बताना है। ओके, तो इसको एग्जाम आप सोल्यूशन मैंने यहाँ पे किया, देख लीजिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, जब हम आप जो इंटीजर होते हैं वो क्लोज होते हैं अंडर द मल्टीप्लिकेशन, अगर दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर भी इंटीजर ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, मतलब मींस जब उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तब भी आंसर क्या आता, सेम आता है, मैंने बताया था आपको ये कौन सी है, जब ऑर्डर चेंज करते हैं तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेम, तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या रीज़न है वो देख लेते हैं, ट्रू होगा बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज कम्युनिकेटिव फॉर इंटीजर्स, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो इंटीजर्स के लिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड, फॉर एनी थ्री इंटीजर्स ए एंड बी सी, इनको हमने जब क्या किया है, पहले फर्स्ट ग्रुपिंग की है, फर्स्ट सेकंड की ग्रुपिंग की, यहाँ पे सेकंड, तो ये भी हमारा क्या होता है, इसमें अलाउड होता है, ये इसका रीज़न क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं हम, इसका रीज़न हो जाएगा ट्रू बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स, मतलब उसकी जो ग्रुपिंग ऑर्डर करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फॉर एनी थ्री इंटीजर्स फोर्थ क्वेश्चन है ये, फॉर एनी थ्री इंटीजर्स ए एंड बी एंड सी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों साइडें हमारी बराबर आती है, ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ओके, तो ये कौन सी है उसको देख लेते हैं, ट्रू होता है ये, फोर्थ, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन। ओके, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट वन इज फॉर एनी थ्री इंटीजर ए एंड बी एंड सी, और ये अप्लाई किया है तो ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो सॉरी ये मैंने आपको बता दिया। एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे हम, फॉर एनी इंटीजर ए मल्टीप्लाई ए इज मल्टीप्लाई आइडेंटिटी फॉर द इंटीजर्स,
मीन्स किसी भी नंबर की आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या आता है, वही आंसर आता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो ये ट्रू होगा। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी वन इज ए मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, ओके। एंड लास्ट वन इज फॉर एनी इंटीजर ए मल्टीप्लाई जीरो इक्वल्स टू जीरो, मीन्स किसी भी इंटीजर्स की मल्टीप्लाई हम जब जीरो से करते हैं दैट विल बी जीरो, ओके। ये तो ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो गया। रीजन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज जीरो, ओके। सो ऑल द स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माई चैनल, इफ यू सब्सक्राइब माई चैनल देन यू विल गॉट ऑल द नोटिफिकेशन व्हेन आई विल अपलोड माई वीडियो, ओके। थैंक यू।